मिकी किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आपके लिए स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन लाते हैं। आज हम एक स्वादिष्ट और अपराध मुक्त नाश्ता बना रहे हैं, वेगन कुकी आटा बाइट्स। ये बाइट बनाने में आसान है, इन्हें पकाने की आवश्यकता नहीं है और ये आपके मीठे खाने के शौकीन को संतुष्ट करने के लिए बिल्कुल सही है। आए शुरू करें। यहाँ बताया गया है कि आपको हमारे शाकाहारी कुकी आटा बाइट्स के लिए क्या चाहिए। आइए अपनी सूखी सामग्रियों को मिलाकर शुरुआत करें। एक बड़े मिश्रण के कटोरे में एक दो कप बादाम का आटा, 1/4 कप नारियल का आटा और 1/4 चम्मच नमक डालें। जब तक सब कुछ मिल न जाए तब तक अच्छे से मिलाएं। इसके बाद सूखी सामग्री में 102 कप बादाम मक्खन, 104 कप मेपल सिरप और 1 चम्मच वेनिला अर्क मिलाएं। आटा बनने तक एक स्पैटुला या चम्मच का उपयोग करके सभी चीजों को एक साथ हिलाएं। तब तक मिलाते रहें जब तक आटा चिकना न हो जाए और सारी सामग्री अच्छी तरह मिल न जाए। यदि आटा बहुत सूखा लगता है तो आप वांछित स्थिरता तक पहुंचने के लिए थोड़ा और बादाम मक्खन या पौधे आधारित दूध का एक छींटा मिला सकते हैं। एक बार जब आटा अच्छी तरह से मिल जाए तो इसमें 1/2 कप शाकाहारी चॉकलेट चिप्स डालें। यह हमारे कुकी आटे को क्लासिक चॉकलेट चिप स्वाद देगा। अब आटे को टुकड़ों में काटने का समय आ गया है। आटे को छोटी काटने के आकार की गेंदों में रोल करने के लिए एक छोटे कुकी स्कूप या अपने हाथों का उपयोग करें। उन्हें एक प्लेट या चर्म पत्र कागज से ढकी बेकिंग शीट पर रखें। काटने को मजबूत करने में मदद करने के लिए उन्हें लगभग 20-30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें। इससे उन्हें संभालना और उनकी बनावट को निखारना आसान हो जाएगा। रेफ्रिजरेट करने के बाद आपके शाकाहारी कुकी आटा बाइट्स आनंद लेने के लिए तैयार हैं। वे दिन के किसी भी समय के लिए एक आदर्श नाश्ता हैं और आपके मीठे खाने के शौकीन को स्वस्थ तरीके से संतुष्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो कृपया हमें शाबाशी दें और अधिक स्वस्थ और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिसूचना की घंटी बजाना न भूलें ताकि आप कभी भी कोई अपडेट न चूकें। हमें आपके विचार सुनना और आपकी रचनाएं देखना अच्छा लगेगा, इसलिए नीचे एक टिप्पणी छोड़ें या हमें सोशल मीडिया पर टैग करें।